एक्चुअली हम लोग का पूरा ग्रुप कोलकाता से हम लोग आए हैं, एंड हम लोग अभी सब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर में। हम लोग ने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था 10th of March, एंड वहाँ से फिर हम लोग ने काठगोदाम की ट्रेन पकड़ी थी। ट्रेन के बाद हम लोगों ने लाल कुआं पे उतरे, एंड वहाँ से नीरज सर की टीम ने हमारे लिए कार बुक कर दिया था, जिसको हम लोग जो कार हमें रफली 8 आवर्स लगा हम लोग को आने में। हम लोग पहुँचे वान विलेज में, बहुत सुंदर जगह है वान विलेज। वहाँ पे हम लोग का फर्स्ट डे वान विलेज में स्टे था। रात को करीब 8-9 बजे तक हम लोग पहुँचे थे। फ्रेश फ्रेश होके हम लोग ने फिर नाश्ता वाश्ता किया, चाय पिए, खाना ना खाए, एंड फिर नेक्स्ट डे सुबह हम लोग निकल गए। नेक्स्ट डे सुबह हम लोग 9 o'clock तक निकले थे सुबह, एंड फर्स्ट स्टीप असेंट था हम लोग का, फर्स्ट 12 किलोमीटर्स। फर्स्ट डे ट्रैक वॉज 12 किलोमीटर्स, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से कुछ कर नहीं रहे थे, ट्रेन में बैठ के आए थे 1.5-2 दिन, तो फर्स्ट डे थोड़ा डिफिकल्ट था। बट फर्स्ट डे का ट्रिप हम लोग ने वान से शुरू किया, एंड गिरवली पाथर तक हम लोग ने चढ़ा था, जिसमें हम लोग ने 2 असेंड और 1 डिसेंड किया था, तो विच वॉज वेरी फन। हम लोग ने गिरवली अराउंड 2 o'clock हम लोग गिरवली पहुँच गए थे। फिर हम लोग ने वहाँ पर लंच किया, फिर लंच करने के बाद हम लोग ने वहाँ पर स्टे किया, एंड वहाँ पर हम लोग ने शेरू से मिला। शेरू है नहीं अभी, बट शेरू यहाँ का एक लोकल डॉग है, बहुत प्यारा डॉग है वो। आप अगर आते हैं तो शेरू से ज़रूर मिलिएगा। शेरू इस ट्रिक का लाइफलाइन है। सर लोग के टीम ने एकदम शेरू के साथ, हम लोग 4 जन हैं हम लोग की टीम में, और सर लोग की टीम में 5 थे, विनोद सर, नीरज सर, धीरज सर, चंदन सर और बलवंत सर, 5 जन के हम लोग बहुत सपोर्ट किया। हम लोग नेक्स्ट पाथर से हम लोग ऊपर आए बेदनी के तरफ, जिस दिन 4 किलोमीटर का शायद असेंट था वो पूरा, एंड 4 किलोमीटर में हमें रफली 1 किलोमीटर बाद से फुल स्नो मिलना शुरू हो गया था, विच वॉज अराउंड स्टार्टिंग के टाइम पे 2 फीट डीप था। आई एम सिक्स फाइव बाय द वे, एंड आई वॉज डीप हियर अप टू हियर, तो विच वॉज अराउंड 3.5-4 फीट तक स्नो था, जिसमें हम लोग डूब गए थे। मेरे कोच थे नेगी सर, थे हम लोग के कोच सर, ने मुझे 4-5 बार स्नो से निकाला है, बैग के साथ ही हम धंस गए थे पूरा अंदर, तो सर ने काफ़ी हेल्प किया है। हम लोग का असेंट वो एकदम स्टीप असेंट था, तो काफ़ी डेंजरस था वो असेंट पार्ट, बट सर ने हम लोग का बहुत हेल्प किया। हम तो एटलीस्ट 3-4 बार गिरे होंगे, एंड बेदनी पहुँचने के बाद इतना सुंदर व्यू, मतलब 4 फीट बर्फ पूरा हर जगह आप देख ही सकते हैं। वहाँ पे बद्रीनाथ है, केदारनाथ, फिर वहाँ त्रिशूल, बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ है, और ये लेयर जिस पर हम लोग खड़े हैं अभी, ये भी 2 फीट लेयर स्नो है। ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे बेदनी टॉप की तरफ, वैसे वैसे 5-6 फीट का लेयर होता जाता है। कल हम लोग ने वहाँ से स्लाइड किया था अपने पॉन्चोस पॉइंट के सामने, वो उस ट्रेल को फॉलो करते हुए पूरा नीचे तक 4-5 किलोमीटर स्लाइड किया था, विच वॉज वेरी फन। इस वीडियो के एंड में आपको शायद वो स्लाइड दिखाया भी जाएगा कि कैसे हम लोग ने किया था। तो अगर आप लोग आते हो तो हिमालयन क्लाइंबर्स के साथ ही आना, नीरज सर का नंबर आपको वेबसाइट पे मिल ही जाएगा, उनसे आप डायरेक्ट टच में आ सकते हो, एंड सारा इंतज़ाम सर कर देंगे, गाड़ी से लेके, खाने से लेके सब कुछ। खाने के भी हम लोग के बहुत सारे चीज़ हम लोग खाए, पोहा खाया, पास्ता खाया, जो कि पहाड़ पे बहुत डिफ़िकल्ट होता है बनाना, बट सर की टीम ने पूरा अच्छे से हम लोग को खिलाया पिलाया, बहुत मज़ा आया। हम लोग के बंकर आप देख सकते हैं, हम लोग के बंकर, हम लोग स्लीपिंग बैग्स में रह रहे थे, वेरी फन। इफ़ यू वॉन्ट टू कम टू रूपकुंड, प्लीज़ गो विथ हिमालयन क्लाइंबर्स। थैंक यू।